जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका डेली करंट अफेयर्स MVRV पर। तो आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुरंजन दास, डॉक्टर मनोज सोनी, राजेश कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुरंजन दास। इसके बारे में देखते हैं। सुरंजन दास भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU के 101वें अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? जी थिरुवशागम का स्थान लिया है। और AIU का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन होंगे? राजीव शुक्ला, अमिताभ कांत, प्रेमचंद नेता, पीयूष गोयल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमिताभ कांत। इसके बारे में देखते हैं हम। नीति आयोग के पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा होंगे। वे वाणिज्य मंत्री किसका स्थान लेंगे? पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। पीयूष गोयल वर्तमान में G20 के शेरपा हैं। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने से एक पूर्णकालिक शेरपा की आवश्यकता होगी। पूर्णकालिक शेरपा को देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाली बैठकों में भाग लेना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। सैन फर्मिन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? भारत, स्पेन, इजराइल, अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेन। देखते हैं इसके बारे में। स्पेन के पैम्पलोना में हर साल सैन फर्मिन फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में क्या होता है? लोगों के पीछे सांडों को दौड़ाया जाता है और इस कारण इसे बुल रेस भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, नई दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। देखते हैं हम इसके बारे में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आय और समृद्धि और समग्र आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्य के प्रति पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए NASC कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? 12, 4, 8, 10। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 सदस्यों को। देखते हैं हम 4 सदस्यों को। केंद्र सरकार ने दक्षिण भारतीय राज्यों की 4 दिग्गज हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, जिसमें कौन कौन है? जिसमें प्रख्यात एथलीट PT उषा जो कि केरल की हैं, और महान संगीतकार इलैयाराजा, ये भी केरल के हैं। कर्नाटक में समाज सेवी एवं धर्मस्थल मंदिर के प्रशासक बीरेंद्र हेगड़े और प्रसिद्ध पटकथा लेखक एवं फिल्म निर्देशक कौन है? विजयेंद्र प्रसाद जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, को भी संसद के उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया है। देखते हैं हम। पयोली एक्सप्रेस नाम से कौन मशहूर है? तो कौन मशहूर है? हमारी ये PT उषा। आगे देखते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। और राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं? 12। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 80। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके महासचिव मोहम्मद सानुशी ब्रकिंडो का निधन हो गया? UN, OPEC, WTO, WHO। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, OPEC। देखते हैं हम OPEC के बारे में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC के महासचिव मोहम्मद सानुशी ब्रकिंडो का निधन हो गया है। ब्रकिंडो ने 2016 में OPEC महासचिव का पद ग्रहण किया था। कब किया था? 2016 में। उनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त होने वाला था। और ये नए महासचिव कौन होंगे इसके? कुवैत के हैथम अल घीस। और इस पद हेतु उनका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? 1 अगस्त 2022 से प्रारंभ होगा। और OPEC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द
पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इसे हिंदी में बोलते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे, वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसमें कितने देश हैं, 13 सदस्य देश हैं, जिसमें देखते हैं कौन कौन है, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबान, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला सहित कितने देश हैं, 13। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। देखते हैं इसके बारे में, जसप्रीत बुमराह ने एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया की नंबर एक रैंकिंग वाली T20 टीम इंडिया बनी है। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा, भारत करेगा। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी रोहित बने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO कौन बने हैं, सुबिन बेरी, परितोष त्रिपाठी, असित रथ, डॉक्टर मोहन वानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परितोष त्रिपाठी। देखते हैं इसके बारे में, इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। और सतीश चंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय, कहाँ के, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और पी उदय कुमार NSIC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अमजद साहिद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में किसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की है, कौन सा अवार्ड है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड, सुमन बेरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है, क्या स्टार्टअप स्कूल इंडिया, गूगल, CBSE, अमेजॉन या फेसबुक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गूगल ने शुरू किया है। आगे देखते हैं, आज का GK है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न होता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। मिसाइल ओमेन ऑफ इंडिया के नाम से टेची थॉमस को जाना जाता है। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। आगे देखते हैं, हीराकुंड बांध कहाँ पे है, महानदी पर स्थित है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, बिहार में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं, थैंक्स, कैसा लगा आज का सेशन, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, थैंक्स।